बॉलीवुड अदाकार आर माधवन अमृतसर पहुंचे ते अपनी फिल्म रॉकट्री दी प्रमोशन लई मीडिया नाल गलबत कीती। उन्होंने कहा कि फिल्म नू लेके काफी चुनौतियां सी। ए शाहरुख खान दी महानता है कि ओ इस फिल्म दा हिस्सा बनना चाहुंदे सी। उन्होंने कहा कि सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विच मत्था भी टेकिया ते वाहिगुरु दा आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि ये फिल्म वेखण ते सानू अपने आप ते शर्मिंदगी महसूस होवेगी। ये फिल्म अजिहे देश भगत दी है जिस दे बारे किसी नू पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाबी कलाकारां नू लैके साउथ विच फिल्मां बनाना, उन्होंने कहा कि दो किस्म दे देश भगत हुंदे ने, एक ओह जो देश लई जान कुर्बान कर दिंदे ने, दूसरे जो सामने नहीं आउंदे पर देश लई जीण मरण लई तैयार रहिंदे ने। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। ऑल अबाउट रॉकेटरी द नंबर इफेक्ट, एक ऐसे इंसान के बारे में जो इस देश के सबसे सच्चे देशभक्त थे। उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो एक मौलदियन औरत के साथ अफेयर करने की वजह से उन्होंने इंडिया के रॉकेटरी सीक्रेट्स को पाकिस्तान को बेच दिया और उनको जेल में डालकर मारा पीटा गया, लगभग जान से मतलब मार दिया गया ऑलमोस्ट। फिर सीबीआई ने उनको बाहर निकाला और ये प्रूव हुआ कि वो बिल्कुल बेकसूर, और इसी केस की वजह से वो जाने जाते थे। उनका इसरो में काम करते थे, उनकी नौकरी गई, फिर उनको जब रीइंस्टेट किया गया तो उनको एक डेस्क जॉब दिया गया। तो इस इंसान के बारे में मुझे लगा कि अच्छी कहानी है, जाके मैं ये इनसे बात करता हूँ और ये फिल्म बनाता हूँ। पर जब मैं उनसे मिलने गया तो मैं बिल्कुल हैरान बौखला गया था बिल्कुल, क्योंकि उस इंसान को देखकर मैं समझ गया कि हम लोग पूरी कहानी देख नहीं पा रहे। इस आदमी की पीछे ज़रूर कोई और कहानी होगी जो अभी तक सामने नहीं आई। पर वो इंसान भी यही केस के बारे में बात कर रहा था, वो अपने लाइफ के बारे में नहीं बात कर रहा था, वो ये बात कर रहा था कि लोग मुझे ऐसा गद्दार कैसे कर सकते हैं, कैसे हिम्मत हुई लोगों को ये कहने के लिए कि मैं गद्दार हूँ और मैंने देश के साथ गद्दारी की, और बहुत दुखी थे। तो मैंने नबी सर से पूछा कि भाई सर जी, कोर्ट ने तो आपको निर्दोष साबित कर दिया, 15 साल हो गए, फिर भी आप इतने भावुक क्यों हो रहे हो? तो उन्होंने कहा, यार तुझे पता है, मुझे पता है, कोर्ट को पता है, पर आज जाओ गूगल में और मेरा नाम डाल के देखो आता क्या है। और जब हमने डाला गूगल में तो आता है कि इसरो स्पाई केस लंबी नारायण। तो आज भी उनके खानदान से कोई जुड़ना नहीं चाहता इतने दिनों के बाद भी। तो मैंने कहा, यार ये गलत बात है, तो इनके बारे में तो कहानी देखनी चाहिए। पर जब मैं तहकीकात शुरू की, मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने रियलाइज़ किया कि ये आदमी जो है ये तो साधारण आदमी है ही नहीं। ये अचानक कह रहे थे कि हाँ मैं तो, ये जो आपने कहा ये सही नहीं, क्योंकि मैं तो प्रिंसटन में था। मैंने कहा, प्रिंसटन आप कब चले गए? बोले कि मैं वहाँ पे प्रोफेसर क्रॉको के नीचे अपनी थीसिस कर रहा था। तो मैंने कहा, सर प्रोफेसर क्रॉको से तो आम इंसान नहीं मिल सकता, आप उनके नीचे थीसिस कैसे कर रहे थे? फिर बाद में पता चला प्रिंसटन, फ्रांस, स्कॉटलैंड, रशिया, मतलब हम लोग रशियन को देख के डर जाते हैं, और ये 3 साइंटिस्ट मद्रासी लोग वहाँ जाके उनको धमका डरा के बहका के उनके आंखों के नीचे से इंजन स्मगल करके ले आए इंडिया के लिए, और ये सब बात किसी को पता नहीं था। और फिर देखिए भाई साहब, इस फिल्म को मैं बड़ा ऑथेंटिक बनाना चाह रहा था। तो जो भी आप इसमें हमारे मेकअप देखोगे या वजन बढ़ना या घटना दिखाओगे, आप देखोगे वो बिल्कुल सही है। हमने कोई पैडिंग नहीं की, कोई ग्राफिक्स नहीं की, कोई चिपकाया हुआ दाढ़ी या मूंछ या विग नहीं है इस पिक्चर में। हमने सब कुछ मतलब पूरे रिसर्च के साथ, 2.5 साल के रिसर्च के बाद ये हमने तय किया कि इसको कैसा करना चाहिए ताकि हर चीज़ जेन्युइन लगे इस पिक्चर में, क्योंकि हमने जो कुछ भी दिखाया है असल में वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सच है। तो इस वजह से हमको थोड़ा अच्छा खासा टाइम लग गया ये रिसर्च करके किरदार में घुसने के लिए। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी साइंटिस्ट भी 29 साल की उम्र से लेकर तकरीबन 80 साल की उम्र तक दिखाए गए हैं, पर कोई प्रोस्थेटिक नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार कोई फिल्म हुआ है जिसमें ऐसा हुआ है। तो लगभग 4 साल लगे इस पिक्चर को बनाने में और 2 साल हमारे कोविड में निकल गए। जी तो सर, सब सच बताऊँ, मैं आपको सच बताता हूँ, ये क्या कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए ना मैं कभी पिक्चर कर ही नहीं पाया। मेरे लिए ना ये एक क्या कहते हैं उसको, एक तपस्या जैसी है। अगर मैं रंग दे बसंती कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 9 मिनट के लिए हूँ, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट राठौड़ के सैक्रिफाइस के बारे में पूरे दुनिया को जानना है, तो ना इस शय के लिए या इस अभिमान के लिए अगर कुछ आप करोगे तो बड़ा फीका लगेगा। मैं तो अपना दिल जान लगा देता हूँ उसी में, तो चाहे वो ब्रीद का
किरदार हो या फिर डी कपल का आर्या हो या फिर रंग दे बसंती का या फिर ये रॉकेटरी वाले, मैं कभी ये सोच के नहीं करता एक्टिंग कि भाई ये सीन कर रहा हूँ, ये डायलॉग बोल रहा हूँ तो लोग इस पे ताली मारेंगे। तो मतलब उस क्षण के लिए तो मेरा जो दिमाग है वो अपने तारीफ में मैं निकाल दिया, तो वो हो नहीं सकता। तो मैं कभी इसके बारे में सोचता हूँ, और एक बार पिक्चर ख़त्म हो जाती है ना तो मुझे उससे एक किस्म की दूरियाँ मैं मतलब महसूस करने लगता हूँ। मैं कभी उस पिक्चर के बारे में बात नहीं करना चाहता, खुद उस पिक्चर को देख नहीं पाता, कोई और उसके बारे में तारीख फरता हो तो मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन चलिए अगली पिक्चर के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि ये मेरा सेफ्टी मैकेनिज्म हो। तो अभी ये चलते चलते से हमने कहा कि हम कहते हैं ना कि घर पे आज क्या बन रहा है भाई रात पे, तो भैया पकौड़े बन रहे हैं, तल रहे, क्या आपका हो गया? वैसे उन्होंने कहा वैसे मैंने ये ना विकास इंजन में मैंने बनाई है। मैंने कहा सर विकास इंजन यानी कि जो इसरो के पास इकलौता इंजन है जो जिसकी वजह से जिसके बगैर कोई भी मिशन पॉसिबल नहीं है इसरो के जरिए, मंगलयान चंद्रयान ये सारा मिशन इसी इंजन की वजह से मुमकिन हो पाया है, ये इंजन जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ ये इंजन आपने बनाया? तो कहते हैं हाँ। और मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इसके बारे में किसी को नहीं पता, उनकी खुद की किताब में इसके बारे में नहीं लिखा गया, बताइए। तो मैंने कहा ये हमारे देश के साथ गद्दारी हो रही है कि हम इस इंसान के बारे में नहीं जानते, ये इन्होंने जो हमारे देश के लिए किया और जो देश ने इनके साथ किया इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से मैंने ये फिल्म बनाई है जिसका नाम है रॉकेटरी देना। इस देश में ना दो किस्म के देशभक्त होते हैं, एक वो जो सीना तान के गोलियां का बौछार के सामने उतर जाते हैं जय हिंद कहते हुए और अपने जान निछावर कर देते हैं, और वो उनकी कुर्बानी हमारी सलाखों पर उनका हम कभी मतलब बदला नहीं, मतलब उनका हम एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। पर एक और किस्म के देशभक्त होते हैं नो, जिनको पता है कि उनके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, उनको अपनी अपना सब कुछ त्याग देना पड़ेगा, अपनी फैमिली लाइफ पर्सनल लाइफ सब कुछ, उनका जान खतरे में हमेशा रहेगा। आए दिन मतलब आप देखिए कि इसरो के साइंटिस्ट मारे गए हैं, कोई यहाँ पे ट्रेन के पटरी में पाया गया है तो किसी कोई पंखे में लटका हुआ है, और फिर भी ना बगैर किसी की चीज़ के सोचे वो अब हमारे देश के लिए काम करते हैं दिन रात, और उनका नाम किसी को नहीं पता रहेगा, उनके पीछे कोई सड़क नहीं लिखा जाएगा या उनके किताब में उनका नाम मेंशन नहीं किया जाएगा। और ये ऐसे लोग हैं जिनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 25 साल वो इन्होंने इसी चीज़ इसी क्या बोलते पॉइंट में गुजार दिया कि उन्होंने मुझे गद्दार कैसे कहा, उनको अपने अचीवमेंट के बारे में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो मैंने जाकर ये पिक्चर बनाई है, जब मैंने जाकर ये लिखना शुरू किया पिक्चर के बारे में बात करना शुरू किया तब जाके सरकार ने नोटिस किया, तब जाके उनको कॉम्पनसेशन दिया गया, उनको पद्म भूषण दिया गया 2019। हाँ, और पद्म भूषण दे तो दिया, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूँ कि ये पद्म भूषण उनको दिया क्यों गया है आप नहीं बता पाओगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।